कि उनके समय में भी संस्कृत सब लोग भारत में ही बाहर भी पढ़ते थे। विश्व की भाषा संस्कृत थी। उस समय पर भी महात्माओं की जरूरत इतनी विद्वता और ज्ञान होते हुए बुद्धि का कि वो जो शास्त्रों में विज्ञान लिखा हुआ है वो तो अभी कुछ नहीं है, इससे न मालूम कितना बड़ा चढ़ा विज्ञान था कि जिसके नाम से चंद्रा में बैठ करके बाण मार दिया जाए उसी को लगे और किसी को रास्ते में लगे ही नहीं, लाखों आदमी खड़े हों उसी को लगे जाकर, ऐसा भारतवर्ष में अपने यहाँ विज्ञान था। लेकिन उस समय पर भी महात्माओं को ऋषि मुनियों की जरूरत पड़ी। जब देश के लोग अपनी बुद्धि को खो बैठते हैं और विवेक शून्य हो जाते हैं तो महात्माओं को पहचानना कोई आसान काम नहीं। जल्दी महात्माओं को पहचान लेंगे, ऐसे नहीं पहचाने जाते हैं, वो तो धीरे 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 जब काम होता है तब लोगों ने उनको पहचाना, और वो साधारण कुछ ही लोगों ने, बाकी जब इतिहास बन गया तो कहते हैं कि हमने पहचान लिया। पहचान नहीं पाते हैं, महात्मा आते हैं काम करके चले जाते हैं, इतिहास बन जाता है, पीछे लोग कहते हैं कि हमने जो लोग सामने रहे उन्होंने तो पहचान नहीं पाया। वही कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं तू हिजड़ा है, तू नपुंसक है, तू अधोगति को प्राप्त करेगा, तू वीर नहीं है। ये गीता में बिल्कुल इस प्रकार का उपदेश किया है, लेकिन वो भी कृष्ण को नहीं पहचान पाया। जब चले गए वो इतिहास बनाकर तो लोग कहते हैं हम कृष्ण को जानते हैं, रहने वालों ने तो कृष्ण को जाना नहीं, जिन्होंने कृष्ण को देखा नहीं वो कहते हैं हम कृष्ण को जान गए। वो बहुत मुश्किल है, तो जरूरत पड़ेगी। हम लोगों को चाहिए कि धीरे 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 अपने काम में अपने निशाने पर लगे रहो, ये तो इसकी जरूरत है, इसकी आवश्यकता है। धर्म के साथ कर्म जुड़ा रहेगा, कर्म के साथ धर्म जुड़ा रहेगा, जब तक ये धर्म कर्म दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे तब तक कोई भी व्यवस्था सुलझ नहीं सकती, ना व्यवस्था कोई ठीक हो सकती है। इसलिए धर्म के साथ कर्म है और कर्म के साथ धर्म है, और हर जगह पर है। कहीं भी दुकान में जाओ, खेती में जाओ, घर में रहो, किसी जगह भी रहो तो ये कोई रिश्तेदार आ गया देखो सेवा करना, किसी को दुख मत देना, वो तो कर्म हो गया, दुख दे दिया तो ये धर्म हो गया। ये तो असली ये है, लोग ये नहीं समझते हैं। दुकान में जाते हैं देखो भाई उधार ले जाना लेकिन पैसा दे जाना, पहले सोचने की चीज है। कर्म के साथ में धर्म जुड़ा हुआ, बेईमान मत बनना, अपने वचन के पक्के रहना, समय से पैसा दे देना, वो कर्म और धर्म दोनों जुड़े हुए हैं। धर्म उसको वो बदनामी हो जाएगी। तो कहने का ये है कि हर जगह पर कहीं किसी जगह भी दफ्तर में हो, घर में हो, खेती में हो, दुकान में हो, व्यवहार में हो, आव में हो, शादी में हो, विवाह में हो, मरी में हो, कोई भी हो, सब जगह कर्म और धर्म की जरूरत है। मगर उसके लिए इसको लोग नहीं समझ पाते, ये जब वक्त आएगा तभी समझ में आए, इसके पहले नहीं। ये बहुत अच्छा हुआ जब थोड़े दिन पहले आए थे और फिर आपको कल आपको सब जोर से प्रचार करके और पूरे सत्रों को ध्यान पूर्वक सुनिए, तो इतना मनन कीजिए, इतना सुनिए, तभी काम बनेगा। कोई आदमी ऐसा नहीं कि हम कोई चीज छोड़ दें, हमने तो सब सुन लिया, अभी कुछ नहीं आपने सुना, न कुछ आपको सुनाया गया। ये तो मतलब ये कि ये तो परा विद्या है, ये लौकिक विद्या है, ये भी कहां सुनने को मिली। अभी सुना दिया जाए तो लोग भाग जाए, भाग जाए, भाग खड़े हो, तो धीरे 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 जब उन पर उनके दिल दिमाग जब साफ हो जाते हैं और अस्थाई बन, आपने देखा नहीं कि जब मैल पानी जब जमा होता है तो पूरा मैला होता है, लेकिन दो चार घंटे या दिन भर जब नीचे जम जाते